अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आई बैन न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त कुपवारा ज़िला से 15 किलोमीटर की दूरी पे एरिया में, इस एरिया का नाम है मनीगा। ये जो ये एरिया है, यहाँ पे एक अलमनाक हादसा हुआ 25 तारीख को, जब यहाँ के एक होनहार बच्चे ने, जिसकी उम्र 17 साल थी, साकिब अहमद ने खुदकशी की गदल श्रीनगर में। आज खुदकशी के केस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबल सरकार है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हमारे पेरेंट्स भी है और बच्चे भी है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए जो केयर होता है, लुक आफ्टर होता है, उसमें कोताहियां कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे वार्ड्स है, जो हमारे बच्चे हैं, ये भी कोताहियां कर रहे हैं। इनमें अब जो वो हम अपनी पेरेंट्स की बात मानते थे, जो वो ओबीडेंस थी, वो ठीक थी, लेकिन आज के ज़माने में आप देख सकते हैं, डिजिटल दौर है, डिजिटल ज़माना है, लेकिन इस डिजिटल ज़माने के बहुत सारे ऐसे भी डिमेरिट्स है जिनको मैं यहाँ पे बयान नहीं करूँगा। अब आज 4 दिन के बाद इस साकिब अहमद नामी का जो ये लड़का है, इसकी बॉडी जो है वो ट्रेस आउट हो गई, और अभी अभी बॉडी जो है वो इस नेटिव विलेज में आ चुकी है, और सुसाइड करने के बाद पता चलता है कि अंदर का हालत है वो किस कदर होती है, पेरेंट्स पे क्या भुगतता है जब कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है। तो हम आपको अंदर के विजुअल्स दिखाना चाहेंगे कि किस कदर माँ बाप चीख रहे हैं और किस कदर यहाँ के लोग चीख रहे हैं, बस सिर्फ इस इंसान के लिए। लिहाजा हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी ऐसा कोई स्टेप उठाना नहीं चाहिए। तो चलो, मैं आपको अंदर के विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। खुदकुशी तो बिल्कुल इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, और आजकल हम देख रहे हैं कि सुसाइड केस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमारी जो माशरा है हमारा, इस माशरे को हुआ क्या है? कश्मीर की बात करें, हार्डली सुनने में आता था ऐसे पहले 6 साल 7 साल कि किसी ने खुदकुशी की, किसी ने सुसाइड किया। तो ये आज चला गया। चलने के बाद ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है, उन नौजवान बच्चों के लिए भी है जो आज सोशल मीडिया पर सुसाइड केसेस करते हैं, फिर वीडियोज़ डालते हैं, या बाकी इसको एक ट्रेंड बनाया है। इस वक्त क्या भुगत रहा है इस एरिया पे, इस हाजमा एरिया पे, इस मनीगा के बस्ती पे इस वक्त क्या भुगत रहा है, ये मैं जान रहा हूँ और आप भी विजुअल्स में देख पा रहे हैं। इसके पेरेंट्स है, अगर मैं आपको उनके पास ले चलूँगा तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि हमारा वहाँ PTC देना। बड़ी अफसोस की बात है। ये जो साकिब अहमद नामी का एक बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था, 400 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए थे, जो अपना स्कूल था उसके टॉपर रहे थे, रिसेंटली जो मैट्रिक का रिजल्ट आया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस दुनिया से चला गया। और जो आश थी, जो उम्मीद थी उसको अपने बाप पे, या जो बाप को उम्मीद होती है अपने बेटे पे, वो उम्मीद जो है वो रायगढ़ चली गई। इस वक्त जनाजा हुआ, ये आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हैं और किस मुसीबत में ये बस्ती है इस वक्त। यहाँ मेरे पास कुछ मकामी साथी है, मकामी लोग हैं इस बस्ती के, इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है आपको, क्या साकिब साइकोलॉजिकली ठीक था, क्या आपको किसी पे खर्चा है, अगर खर्चा है तो कौन सा खर्चा है, और किस कस्म के जो सोच थी वो इस ये साकिब नामी का ये जो शख्स है रखता था। और इनसे ये भी जानेंगे, क्योंकि आज बॉडी जो है वो 4 दिन के बाद पहुंची है, तो इनसे जानेंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ तावन ठीक किया। सर, अपना नाम बताइए।
सर मेरा नाम गुलजार अहमद खान है, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा गलाजी के रहने वाले हैं। कहेंगे कि आज 25 तारीख को इसने हमारे बच्चे ने खुदकशी की श्रीनगर में। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ के एडमिटेशन ने हमारा साथ नहीं दिया, बिल्कुल वीक, बहुत वीक चल रहे थे। आज सुबह हमारी डेड बॉडी जो मिली, वहाँ के लोगों का हम आपके जरिए से ये मैसेज देते हैं कि हम उन लोगों का, खासकर जो सीमेंट कदल के लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि हम में अभी वो इंसानियत है, हम में अभी वो जरूरत है, हम में अभी वो हौसला है कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोग हमें वहाँ पे बाड़ी निकालने में हमारी मदद की और 5 दिन आया कि वहाँ पे वो हमारे साथ लंगर लगा कर बैठे हुए थे। हमें जहाँ तक ये एडमिटेशन का सवाल है, 5 दिनों में बहुत वीक रहे हमारे, कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ से पहुँचे थे, किसी ने भी कोई ऐसी जरूरत नहीं की कि इन लोगों के खाने पीने का क्या होगा। हालांकि बहुत बहुत बड़े दावे कर रही है गवर्नमेंट कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कोई अपने आंखों से नहीं देखा है। 400 मार्क से उन्होंने पिछली दफ़ा मैट्रिक में हासिल किए हैं, अच्छी पोजीशन में इसने मैट्रिक अपनी की, बिल्कुल ठीक ठाक थे, अच्छे थे। सर मेरा नाम सलीम अशरफ है और जी सर मैं इसको बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम जो है हमने साथ स्पेंड किया, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इवन के हम साथ जाते थे स्कूल, साथ आते थे और हम बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। बट जब से हमने सुना कि इन्होंने ये सुसाइड कर लिया, अब हमें पता नहीं है कि इन्होंने खुद किया या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन जब हमने ये बात सुना तो मतलब हमारा तो क्या हर एक का दिल मतलब रेजा रेजा हो गया कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ऐसा नौजवान जिसने अपनी जान दे दी, आखिर क्या वजह थी कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि अभी तक अभी तो पूरी तहकीकात हुई नहीं है कि इसके पीछे क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको लग रहा है सुसाइड नहीं करना चाहिए, फिर कितना भी डिप्रेशन है क्योंकि लाइफ इज अ गेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यस यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सर ये जो जिंदगी है ये तो खुदा का एक तोहफा है और हमें इसको मतलब लाइफ में मैं एक बात कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, क्योंकि अगर आज यहाँ पे अंधेरा है तो कल वहाँ पे रोशनी होगी, अगर वहाँ पे रोशनी है तो वहाँ पे कल अंधेरा भी हो सकता है। तो हमें तो लाइफ इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रगल, हमें तो इसमें स्ट्रगल करनी है, हमें तो अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, अगर कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन आपको ये ऐसा गलत स्टेप आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको कभी आप अलग बचाए, अगर आप किसी वक्त किसी मामले में फंस जाते हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आप उनके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो कि मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूँ, इसका हल क्या है, तो एंड आई एम डैम श्योर दैट दे डेफिनेटली विल गिव यू सम राइट सजेशंस, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से देंगे और आप उनकी बातों को कलेक्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ सुनी थी अपने रेडियो पे कि बता रहे थे कि मतलब पिछले 5-10 सालों से ये जो सुसाइड केसेस हैं या जो ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को जो है डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि घर पे बैठ बैठ के बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। बिकॉज इससे जब स्कूल्स खुले थे, एक अच्छा इन्वायरमेंट था, स्कूल्स में हम इकट्ठे जाते थे, में चले गए, अगर ये सब कुछ ना होता तो आई थिंक ऐसे मामलात की कमी आती और आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। 21st सेंचुरी हर एक को अपने काम की पड़ी होती है, अगर कोई किसी घर में अगर कोई मुलाजिम है तो वो अपनी जॉब पे जाता है या कोई और, क्योंकि आपको पता ही है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक दिन काम पे ना जाने से बहुत सारा लॉस होता है। लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स से मेरी ये मुतबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनकी केयर करें, अगर वो कहीं पे मतलब अगर उनको देखें अगर वो ज़्यादा सो रहा है तो उसको उससे पूछें इसको क्या बात है, अगर उसका उसकी बोल चाल में उसके उठने बैठने में अगर उनको कोई फ़र्क आ रहा है तो उनसे। मेरा नाम लियाकत अली खान है, मैं इसी इलाके का सरपंच हूं। हादसा बहुत ज़बरदस्त हुआ, ये हमारे इस हल्के में ये कौम है जो बिल्कुल शरीफ कौम है, मतलब है इनमें कोई भी गलत नहीं है, नमाज भी यही लोग पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे भी इन्हीं लोगों से पढ़ते थे। मैं चाहता हूँ मतलब है इसके केस की मतलब है यहाँ से लेकर श्रीनगर तक पूरी तहकीकात हाई लेवल पर होनी चाहिए।